लॉफेयर वाला ले लूं बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ योर फोकस. द फर्स्ट थिंग इज दैट द ग्रुप ऑफ पीपल हु आई हैव टू रीच आउट फॉर एडवाइस और द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टू मी और द सिस्टम फॉर एडवाइस आई कैन काउंट देम ऑन माई टू हैंड्स. सो पहली वीकनेस तो ये है कि वी हैवंट स्टिल वी आर नॉट एट अ पॉइंट जहाँ हम इसको पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फील्ड कह सकते हैं. अच्छा, वो ना थिंक टैंक से आनी है ना हुकूमत से आनी है, वो आनी है आपके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हु स्टार्ट ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन दिस फील्ड प्रोफेशनली. और ये मैं स्पेशली इसलिए यहाँ कह रहा हूँ बिकॉज फैसल एंड यू नो आप लोग ये कर देखिए, अगर पाकिस्तान इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग 50, 100, 200 पीपल हु आर वेल वर्स्ड इन दिस फील्ड तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होगी. अच्छा, फिर एक डिबेट होती है कि आपका कोई चीज़ है, लिटिगेशन है, थिंकिंग है, इंटेलेक्ट है इस एरिया में. वो देखें जी, हम तो सारे फॉरेन लॉयर्स पे डिपेंड करते हैं, बट व्हाट एल्स शुड यू डू? अगर आप अपनी कैपेसिटी नहीं डेवलप करेंगे तो यही होगा. सो दिस इज़ नॉट, मैं सेल्फ क्रिटिक कर रहा हूँ और ये क्रिटिक को ये नहीं है कि पाकिस्तान का मसला है, सारी दुनिया अभी इसको शुरू कर रही है. वी यू नो आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिसएडवांटेज बिकॉज रिसोर्स कंस्ट्रेंट और वो सारा. बट द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंकली इज ऑन द यूनिवर्सिटीज, द एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू टेक दिस एज अ प्रायोरिटी. सेकेंड, आई थिंक इस स्पेस में there's a lot of effort being made to coordinate the system. जब नई चीज़ होती है तो उसके coordination mechanism भी नहीं होते. अगर आप you know system में देखेंगे तो किसी एक जगह पर एक चीज़ हो रही होगी, दूसरी जगह दूसरी चीज़ हो रही होगी, तीसरी. ये सारा आपको एक जगह पर coordinate करना है. There's a lot of work that's going into this. We have lot of excellent people doing this. लेकिन क्योंकि ये नई field है, not everybody is clear what, how they link up to lawfare. So, a province or a provincial government क्या link है, you know, foreign office क्या link है, मेरे दफ्तर का क्या, how does all of this come together is a critical question जिस पर बहुत सा काम हुआ and we are moving forward. तीसरी चीज़ ये है कि bad publicity is always easy, तो वो तो सारा वक्त होती है. But if you look at it, in the recent past, जो हमारी experiences रहे हैं on litigation, arbitration, they've actually been a lot of successes, जो हम कभी portray नहीं करना चाहते, but we always talk of negatives. There are very good people doing this work for the country, sacrificing and producing results. तो इसमें everybody knows sort of law, Attorney General's office, military side पे, we are all trying to coordinate and actually the results are much better than we think. But अभी ये challenge बढ़ता जाएगा. बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर. देखिए, आज मैं आपको ये कह दूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर ख़त्म हो जाएगा, इट विल बी क्रेजी ऑन माई पार्ट टू से दैट. ये उसी का पार्ट है और ये हमें जितनी ज़्यादा और हम इस पर फोकस कर सकें वो हमें करने की ज़रूरत है. अभी नो आर एस आई एल ने यू नो वेरी अर्ली ऑन ये प्रोसेस शुरू किया था, आई थिंक इंटर्नशिप्स और वो सारा. ये मॉडल हमें डेवलप करने पड़ेंगे, अब आप लोग भी कर रहे हैं. दिस इज़ द मोर वी गेट द बेटर. देखिए, गोल ये है कि जब आप इनपुट लेने जाए कोई गवर्नमेंट सरकार की साइड से तो इतने लोग हों कि वी कांट फिट दम इन अ रूम, देन यू गेट गुड एनालिसिस. अदरवाइज तो फिर यू नो वी डोंट हैव दैट कोरम या दैट क्रिटिकल मैस. सो दैट्स अनदर थिंग दैट आई वुड पुट ऑन द टेबल. जस्ट अ कपल ऑफ अदर थिंग्स आई'ड से. इवन आई डिड नॉट फुली अप्रिशिएट the chain that ends up in what we call lawfare or litigation or whatever. Agar aap investment side pe dekhen to the reason for litigation essentially are the treaties and agreements we have signed. It has nothing to do with you know. So you have to start from that end of the chain. Uske liye aapko investment expertise chahiye, uske liye aapko wo log chahiye jo wo samajhte hain ki wo dispute resolution mechanisms kya hain. On the other hand, आप कश्मीर को ले लें, it's a very different kind of lawfare. There are very different opportunities that one has to explore, and frankly, our enemy has explored and exploited. अभी मुझे उस दिन किसी ने ये कहा कि जी एक कोई
इंडिविजुअल का फेसबुक केसेस फेसबुक अकाउंट्स बंद कर दिए फेसबुक ने बिकॉज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हु इज़ अ मार्टर इन द कश्मीरी स्ट्रगल उनकी कोई पिक्चर्स या व्हाटएवर आई और कोई लॉ था यूएस का जिसकी वजह से उन्होंने कर दी. एंड समबडी टोल्ड मी कि जी व्हाई डिडंट एनीबडी गो एंड सबीना इन द यूएस टू से कि आपने किसके तहत किया दिस इज़ द इंटरनेशनल लॉ जिसके अंडर आप ये नहीं कर सकते. But frankly, that system has to be well oiled and know and coordinated to get to that point. So, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने करनी. I'm being self-critical as a system because हमने आगे जाना है. I don't want to stand here and tell you, you know, all the achievements. Allah का शुक्र है, बहुत achievements हैं. And I repeat, there is much more good news than people want to acknowledge. बहुत सा बहुत अच्छा काम लॉ फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो रही है. बट माई मैसेज बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल हेयर इज द मेक और ब्रेक इन दिस स्पेस इज वेदर दिस बिकम्स ए रियल फील्ड ऑफ स्टडी वेदर द ब्राइटेस्ट माइंड्स डिसाइड टू गो हेयर एंड वेदर देन दोज प्रोफेशनल्स कैन बी यूटिलाइज बाय द सिस्टम ओवर द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स to really develop this into a field and an expertise for the state of Pakistan. Agar wo nahi hoga to phir isi tarah hoga. There'll be some people kuch you know and we'll rely on foreign expertise which of course in this hybrid warfare age is never good. So this is my main message but I really want to congratulate the center for doing this aur ye jo aapka initiative hai this is exactly where we need to go. जितना ज़्यादा एम्फसिस इस पर आप कर सकते हैं और इसको आप प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उससे लिंक करें ताकि न्यू माइंड्स कम आपके वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑल ऑफ दिस दिस इज़ ऑल नीडेड द मोर यू कैन डू द बेटर बिकॉज दिस फील्ड इज़ गोइंग टू रिक्वायर मोर एंड मोर एंड मोर इनपुट गोइंग फॉरवर्ड. सो वंस अगेन आई एम रियली सॉरी आई वॉज लेट एंड मुझे बीच में ये स्लॉट देना पड़ा है बट अगैन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू.